पांच मैचों की T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है और इसलिए BCCI ने तीन वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम में जहां कुछ लोगों की वापसी हुई है तो कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। टीम में कृणाल पंड्या की वापसी हुई है तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा का नाम सामने आते ही फैंस काफी आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि उनके चुने जाने की भनक किसी को भी नहीं थी। सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने की खबरें भी सीरीज से पहले आ रही थीं और कहा जा रहा था कि शायद रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन तीन मैचों की सीरीज के लिए क्या है टीम इंडिया। विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, कृणाल पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले पुणे में खेले जाएंगे और पहला मैच 23 मार्च से शुरू होगा, दूसरा मैच 26 और तीसरा मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा। इससे पहले चार मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 3-1 से शिकस्त दी थी। वहीं जारी T20 सीरीज अपने आखिरी चरण में है जहां चार मैचों के खत्म होने के बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। जैसा कड़ा मुकाबला इस T20 सीरीज में देखने को मिला है उससे यही उम्मीद कर सकते हैं कि वनडे सीरीज काफी शानदार होने वाली है। T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव को उनके इस प्रदर्शन का इनाम मिला है। उनकी काबिलियत को देखते हुए भारतीय थिंक टैंक ने उन्हें मिडिल ऑर्डर में जगह दी है। वहीं घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने का फल प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। प्रसिद्ध कृष्णा को जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है। बुमराह शादी के बाद से छुट्टी पर चल रहे हैं। नवदीप सैनी को टीम से ड्रॉप किया गया और ऑस्ट्रेलिया में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले टी नटराजन को टीम में जगह मिली है। साथ ही भुवनेश्वर कुमार भी T20 सीरीज के बाद अब वनडे टीम में टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। बहरहाल तीन वनडे मैचों के लिए इस टीम इंडिया पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।